की शुरुआत करते हैं। विजय गोयल जी, पहला सवाल आपसे ही। ये आरोप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कि आप लोग एलजी को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को वाइस रॉय बनाना चाहते हैं, जो केंद्र के इशारे पर पिछले दरवाजे से दिल्ली पर एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ कब्जा करेंगे। जवाब दीजिए, क्या यही आपकी नियत है इस बिल के जरिए? ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये आरोप पार्टी है। नित नए आरोप लगाना और लगातार विवाद उत्पन्न करना, ये आम आदमी पार्टी का जब से सत्ता में 2013 से आए हैं तब से ही है। इन्होंने हमको कह दिया अलोकतांत्रिक हैं। क्या हम ऑर्डिनेंस लाए हैं? क्या इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर बिल आया है, संवैधानिक है, वहां भी चुनी हुई सरकार है, उसके ऊपर चर्चा होगी, चरखा होगी, ये लोग अपनी वहां पर बात रख सकते हैं। हमने कौन सी ऐसी बात की है? अब ये कहते हैं हम हार गए हैं, 4 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ उसमें कह गए हार गए, और जो 272 में से 181 से ज्यादा सीटें हमने जीती वो ये भूल गए। पिछली 3 बार से एमसीडी के अंदर हम ही रूल कर रहे हैं, पिछली संसद में 2 बार से सातों के सातों एमपी हमारे जीत के आ रहे हैं। तो इस तरह से कहना कि हम बैकडोर से कर रहे हैं, ये हमारा नहीं, ये उपराज्यपाल का भी अपमान कर रहे हैं। आप भूल गए, तो पहले दिन से उपराज्यपाल से लड़ रहे थे, जब उनके दफ्तर में जाकर ये पसर गए थे वहां पर कई दिनों तक। तो जाहिर तौर के ऊपर बात है, इनको एक बात को समझना चाहिए, इनके कोई अधिकार नहीं जा रहे। जो असेंबली है वो अपने कानून बनाएगी, जो कानून बनाएगी वो उपराज्यपाल के पास जाएंगे, जब उपराज्यपाल के पास जाएंगे तो उपराज्यपाल को इनसे कोई टकराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, और ये यूनियन टेरिटरी आज से नहीं है, 1993 से, जब मदनलाल खुराना चीफ मिनिस्टर से, तब से यही अधिकार आ रहे हैं और उन्हीं अधिकारों की बात कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड हैं वो एलजी ही हमेशा से हैं, पर कोई ना कोई नुक्ता निकालने के ये हमेशा उसमें फिराक में रहते हैं। इसीलिए एक बार केंद्र सरकार ने सब चीजों को स्पष्ट करने के लिए ही कि क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं, उसके लिए ही इसको लाया है। इनको बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि एलजी अलग है, ये अलग है, बल्कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली नगर निगम से, दोनों से आपस में तालमेल करके सरकार को, दिल्ली को चलाना चाहिए। आपको तो मालूम है एमसीडी को पिछले काफी टाइम से एक रुपया फंड नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपने अपनी बात पूरी नहीं की, मुझे टोकना पड़ रहा है। सवाल यह है कि सारा तालमेल स्थापित करने की जवाबदेही और जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार की नहीं हो सकती। एक और काउंटर सवाल है, मैं लौटूंगी आपके पास। पहले राघव चड्ढा जी से एक शुरुआती कमेंट ले लूं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 2018 के फैसले को कोट करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उसके खिलाफ जाता है, कौन सी बातों से पॉइंटेडली, ताकि दर्शक भी सुन रहे हैं, हर कोई सुन रहा है, स्थापित आप ये कर सकते हैं कि ये उस संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ बिल में काम कर रहे हैं? मैं साबित कर सकता हूं। अंजना जी, लगातार आप देख रही थी कि 2015 से आपने कई कार्यक्रम हल्ला बोल के किए, जिसमें मैं आया और देखा कि एक टकराव की स्थिति दिल्ली के उपराज्यपाल, उस समय के उपराज्यपाल राजीव जंग और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बीच, वो इसलिए हुई क्योंकि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधिकार होते हैं, जो 15 साल की शीला दीक्षित जी की सरकार के पास भी थे, वो मोदी सरकार ने खींचने की, छीनने की कोशिशें करी। और हमने उसकी लड़ाई उपराज्यपाल से भी लड़ी, सड़क पे भी लड़ी, संसद में भी लड़ी, और अंततः हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 के अपने वर्डिक्ट में, अपने निर्णय में साफ कर दिया कि दिल्ली का बॉस दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उपराज्यपाल बॉस नहीं है। उपराज्यपाल जैसे अन्य राज्यों के गवर्नर होते हैं, केवल उसी स्थिति में काम करेंगे। केवल 3 विषय ऐसे हैं जैसे जो है लैंड यानी कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस, इन 3 विषयों के लिए दिल्ली यूटी है। बाकी जितने विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, अन्य प्रकार के, उन सारे विषयों के लिए दिल्ली एक पूर्ण राज्य है और मुख्यमंत्री बॉस है। आपके चैनल ने हेडलाइन चलाई थी, दिल्ली का बॉस मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आज जुलाई 2018 के उस फैसले को दरकिनार करते हुए जो अधिकार जिनकी पुनर्स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने हमें करी थी, हमें दिए थे, वो हमसे फिर छीन कर बीजेपी की सरकार उपराज्यपाल के पास सौंपने की कोशिश कर रही है। ये क्यों कर रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ये साम दाम दंड भेद से, छल बल से कोशिश करते हैं कि ये पहले चुनाव जीतें। जब ये चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो कोशिश करते हैं कि विधायक खरीदें। जब विधायक बिकते नहीं है तो ये उपराज्यपाल के माध्यम से कामों में हस्तक्षेप करते हैं। जब उसमें भी पूरी तरीके से इन्हें स्वाद नहीं आता, ये सफल नहीं होते हैं, फिर कानून बदलकर
उस सरकार के सारे अधिकार छीनकर केंद्र सरकार में लीन कर देते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए अंजना जी, 5 साल में एक बार दिल्ली की जनता घर से बाहर निकलकर अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट डालती है कि अपना उपराज्यपाल चुनने के लिए वोट डालती है? आज हम सिलेक्टेड से चलेंगे कि इलेक्टेड से चलेंगे? ये सिलेक्टेड बनाम इलेक्टेड की लड़ाई